संग्राम में भाजपा का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ। पूर्व सांसद अनिल यादव ने किया उद्घाटन। रंगरा स्थित शैलेंद्र मिश्र के फार्म हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव ने किया है। प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता मंडल उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्र ने किया। मौके पर जिला उपाध्यक्ष राजेश यादव, प्रोफेसर भोला कुमार, पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह कुशवाहा ने प्रशिक्षण सत्र में अपने व्याख्यानों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। प्रशिक्षण में वक्ताओं ने बताया कि किस तरह संगठन को और ज्यादा मजबूत करना है और किस तरह भाजपा को अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त करना है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, महामंत्री आलोक सिंह, नीलांबर झा नीलू, मंत्री वीरेंद्र दास, युवा मोर्चा महामंत्री मनोज, प्रखंड महामंत्री अखिलेश, महामंत्री हिमांशु, उपाध्यक्ष भुवनेश्वर दास, राजेश सिंह, मंत्री मनोज सिंह, युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष रवि कुमार राजा, किसान मोर्चा अध्यक्ष जगदीश दास समेत कई लोगों की मौजूदगी देखी गई। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने चलाया जनसंपर्क अभियान। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रंगरा के द्वारा सत्र 2021 से 2022 में छात्राओं के नामांकन के लिए अभियान चलाया गया है। इस क्रम में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने मुरली बनिया और भवानीपुर गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया है। इस क्रम में वरीय साधन सेवी मुकेश मंडल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के संचालक नरेंद्र कुमार, वार्डन लता मिश्रा, प्रियंका कुमारी, सिंधु कुमारी, आदेश पाल, संजीव कुमार भ्रमण टीम में शामिल थे। वरीय साधन सेवी मुकेश मंडल ने बताया कि कोरोना के कारण फिलहाल बालिका छात्रावास बंद है, परंतु विभाग द्वारा रिक्त हुए सीटों के लिए नामांकन का निर्देश दिया गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा ने योग्य छात्राओं का नामांकन को लेकर विभागीय मानदंडों के अनुसार निर्धारित सुविधाओं का 100% पालन करते हुए विद्यालय संचालन का आदेश दिया है। अनियंत्रित होकर यात्री शेड में जा घुसा ट्रक, मौके पर ही खलासी की मौत। रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 चौक पर एक अनियंत्रित ट्रक यात्री शेड में जा घुसा। घटना में ट्रक के खलासी भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के मखना गांव निवासी मोहम्मद सलमान की मौत हो गई है। शनिवार को दोपहर बाद रंगरा पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी मिली है कि कटिहार से बालू अनलोड कर खाली ट्रक भागलपुर की ओर जा रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि रंगरा चौक के पास ट्रक की रफ्तार काफी तेज या कहें अनियंत्रित थी। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक ट्रक यात्री शेड में जा घुसा। घटना में यात्री शेड पूरी तरह से धराशायी हो गया और खलासी का शव शेड के मलबे के नीचे फंस गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद खलासी के शव को बाहर निकाला। खलासी के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान की गई और घटना की सूचना परिजनों को दी गई। रंगरा आकर परिजनों ने मृतक की पहचान मोहम्मद सलमान के रूप में की है। घटना के तुरंत बाद ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। रंगरा पुलिस ने एक साथ वाहन और मास्क जांच अभियान चलाकर वसूल किया 3750 रुपये जुर्माना। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर एक साथ मास्क और वाहन जांच अभियान चलाकर कुल 3750 रुपये जुर्माना वसूल किया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मास्क नहीं पहने कुल 5 लोगों से 250 रुपये और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वाले 4 वाहन चालकों से 3500 रुपये वसूल किया गया है। आज की खबर में बस इतना ही, धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो GS News के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।